हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है, तत्सम और तद्भव में अंतर बताओ। तत्सम और तद्भव में अंतर बताओ। इसका आंसर हम देखते हैं। तत्सम और तद्भव में अंतर, तत्सम तत्मीन्स उसके, तत्मीन्स उसके सम में समान होता है। तत्सम तत् प्लस सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे अग्नि, पुत्र, सूर्य आदि। अब देखते हैं तद्भव। तद्भव क्या है? तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना। भव मीन्स उत्पन्न होना, उससे होना। तत् प्लस भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर आज उनका स्वरूप बदल गया है। जैसे कर्पूर, पहले संस्कृत वर्ड क्या था? कर्पूर। वह आज कैसा रूप ले लिया? कपूर। बोलने की सहायता से उसको हम इजी करके जो बदलाव कर दिए उसको, वैसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। कर्पूर का क्या हो गया? कपूर। ये नीचे कुछ गलत दे दिया गया है। संस्कृत शब्द था हस्त। हस्त, हस्त का रूप बदल कर बोलने और लिखने के को थोड़ा इजी ढंग से लिखने के लिए लोग बना लिए हाथ। हस्त से क्या हो गया? हाथ। सूर्य से सूरज, सूर्य से सूरज, चंद्र से चांद। ऐसे कई शब्द हैं जो तत्सम शब्द से तद्भव का रूप ले लिए। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग का है, विकारी और अविकारी शब्दों के भेद को स्पष्ट करो। विकारी और अविकारी शब्दों के भेद को स्पष्ट। इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। विकारी और अविकारी शब्दों के भेद, विकारी शब्दों के भेद को बताना है और अविकारी शब्दों के भेद। तो क्या है कि विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। इनके भेद, दोनों के भेद को हमें बताना है। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। और अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? चार होते हैं। अविकारी शब्द की भी संख्या चार होती है। अविकारी शब्द के अंतर्गत देखते हैं क्या आता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी के अंतर्गत क्या आते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अविकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी के अंतर्गत आ रहे हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब थोड़ा हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं और उसके बाद कल और सभी एक्सरसाइज बताए जाएंगे। करेस सेकंड एक्सरसाइज आपका है, शब्दों के तद्भव रूप लिखो। तत्सम रूप दिए गए हैं, उसके तद्भव रूप लिखने हैं। भ्राता का तद्भव रूप, भ्राता क्या है? तत्सम शब्द है, उसका तद्भव रूप हो जाएगा भाई। भ्राता का क्या हो जाएगा? भाई। मयूर का मोर, मयूर शब्द का तद्भव रूप मोर। सत्य का सही, सूर्य का सूरज। कूप
कुआं, पर्वत पहाड़, पक्षी पंछी, नींद निद्रा नींद, कृषक किसान, मुख मुंह, मुख तो क्या हो जाएगा मुंह, इसमें कुछ मिस्टेक है देखते हैं, यहाँ अनुस्वार हो जाएगा मुख का मुंह।